हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आपने प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था आइसक्रीम के लेके। तो आज उसी वही आइसक्रीम में वो कैसे बनता है, वो आइसक्रीम मैं आज उसका प्रोसेस बताने वाला हूँ। आज एक शेफ रमज़ान ने एक नया आइसक्रीम बनाया है जो कि वो है लेमन ग्रास आइसक्रीम। तो आज वो लेमन ग्रास आइसक्रीम कैसे बनता है आपको मैं वो शेयर करूँगा, और मैं दिखाना चाहूँगा कि उसको कैसे बनाते हैं और कैसा कैसा प्रोसेसिंग होता है आइसक्रीम बनाने में। तो चलिए फिर आपको मैं दिखाता हूँ कैसे उसका प्रोसेस होता है। बाय द वे, उनका टेस्ट का, उनके हाथ का टेस्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो आज को 7 या 8 ईयर्स हो गया वो आइसक्रीम बना रहे हैं। तो आइसक्रीम उनका हाथ का बहुत अच्छा लगता है। कभी भी वो जब नया फ्लेवर ऐड करते हैं या नया फ्लेवर इन्वेट करते हैं तो मुझे खास करके ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मैं दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। तो अभी ये लेमन ग्रास है, ऑलरेडी इसको कट कर दिया था। तो मैंने अभी आपको इसको, इसका ग्रास दिखा रहा हूँ कैसा है, और उसको कट करके अभी हमने बॉईल में डाला है। आपको दिखाता हूँ कैसे बॉईल हो रहा है, फिर उसके बाद उसके आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। होने के बाद में आपको मैं इसका सीन बताता हूँ कैसा है। ये हमारी पिकोली कैसे हंस रही है, मेरा कैमरा ब्लर हो गया। ये उसका ग्रास है, क्या स्मेल है, ओहो हो। मुख के पूरे रमजान स्टीम बना समय आ रहा है। ये स्मेल रिफ्रेशिंग। ये देख सकते हो गाइस, अभी हमने एक बकेट में ले लिया है जो कि अभी हमने लेमन ग्रास को बॉइल किया था, उसको हमने स्टेन करके अभी इसमें एक बकेट में डाल दिया है। अब थोड़ा डालेंगे हम लेमन जूस ऐड कर दिया है, क्योंकि लेमन जूस और लेमन ग्रास का एक कॉम्बिनेशन पैक, मतलब कि उसमें और थोड़ा टेस्ट लाता है और थोड़ा अच्छा लेमन का फील आता है। तो अभी हम इस पे और डालेंगे शुगर सिरप, जो कि देख सकते हैं आप शेफ़ रमजान ने अभी शुगर सिरप वेट कर रहे हैं, मतलब कि उसको अभी शुगर सिरप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में फिर ये जाएगा मशीन के अंदर, मशीन के अंदर जाने के बाद ये सोरबे बनेगा। तो ये देख सकते हैं हो गया है। अब ऐसी ही वीडियो में बने रहे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके आगे का प्रोसीजर क्या है। तो ऐसा वीडियो आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा कि इटालियन सोरबे और जेलेटो काम कैसे बनता है क्या नहीं बनता है, तो ऐसा ब्लॉग आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं ये कुछ नया करना चाहता हूँ, तो आप सब ऐसी ही वीडियो में प्यार बनाए रखो, तो मैं और अच्छा अच्छा आपको वीडियो और अच्छा अच्छा रेसिपी शेयर करूँगा आपके साथ में। तो अब ये हो गया, अब इसके अंदर में जाएगा और एक स्टेबलाइजर पाउडर। स्टेबलाइजर पाउडर ये होता है, इसको थिक बनाता है। चलो पहले ये देख सकते हैं शेफ़ रमजान स्टेबलाइजर पाउडर डाल रहे हैं, डाल के इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में ये फिर जाएगा मशीन के अंदर। तो हाँ, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अब ऐसी वीडियो में प्यार देते रहो, प्यार बनाए रहो, तो मैं और अच्छा अच्छा रेसिपी लेके आ सकता हूँ और अच्छा अच्छा आपको वीडियो शेयर कर सकता हूँ। बहुत आदमी हैं वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करो, मैं और अच्छा अच्छा आपको देता हूँ। चलो अब इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं, शेफ़ रमजान अभी टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट करने के बाद में ही हम इसको बता सकते हैं कि इसमें और क्या जाएगा, और मतलब शुगर कम है या फिर इसका टेस्ट थोड़ा और कैसा है। तो पहले टेस्ट कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या है। अब इन लोग दोनों तो टेस्ट कर लिया, अब मेरी बारी है। कैसे है, ठीक ठाक है, थोड़ा शुगर ज़्यादा है तो इसमें और थोड़ा लेमन जूस जाएगा।
ये देख सकते हो गाइस, ये अब रेडी हो गया। अब ये निकल के पैन में डालेंगे। पैन एकदम बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, तभी जाके इसमें आइसक्रीम सेट हो सकता है। तो इसका कलर देखो कितना खूबसूरत है, मेरा तो फेवरेट कलर है ये। तो अब ये सॉर्बे पूरा रेडी है डिस्प्ले में लगने के लिए। तो अब चलो इसका आपको मैं फाइनल टच दिखाता हूँ। ये देख सकते हो गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसमें ग्रास लगा दिया है तो पूरा ऑसम ही लग रहा है। मुझे तो मेरा फेवरेट कलर है ये जान के। और सब आइसक्रीम भी है, बट यही सबसे कैची आइसक्रीम मेरे को दिख रहा है। मतलब पूरे आइसक्रीम में ये आइसक्रीम सबसे खूबसूरत आइसक्रीम, और लाजवाब क्या टेस्ट है इसमें। मैंने तो ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, तो चलो अब इसका इंजॉय करो। सो हे गाइस, आपने देखा होगा कि आइसक्रीम कैसे बना, और अभी जानते हैं उसका फीडबैक लेते हैं कि आइसक्रीम का टेस्ट कैसा है। एक्चुअली मैं हूँ बेकरी शेफ, वो हैं आइसक्रीम के हेड, तो आइसक्रीम उनके हाथ का ये होता है। तो मैं अपना अभी लाइफस्टाइल के बारे में ब्लॉग बनाता हूँ, कि आपको लग रहा होगा कभी मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, कभी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करता हूँ। तो ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल जो है, मैं अपने शेफ़ लाइफ के ऊपर मैं बना रहा हूँ, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर मैं बना रहा हूँ। क्योंकि ऐसा ब्लॉग आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा कि एक शेफ़ अपना लाइफस्टाइल कैसे शेयर करते हैं, क्या करते हैं। तो मैं इसको नया कुछ लाना चाहता हूँ, नया कुछ दिखाना चाहता हूँ आप सबको। तो बस ऐसे ही आप प्यार बनाते रहो, ऐसे ही आप सब्सक्राइब करते रहो, और वीडियो में प्यार और थोड़ा दिखाओ, तभी जाके मेरे को थोड़ा और कॉन्फिडेंस पहुँचेगा। तो चलो फिर देखते हैं आइसक्रीम का टेस्ट, जानते हैं कैसा रहा। आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर देखते हैं आइसक्रीम कैसा रहा और उसका टेस्ट कैसा रहा, जानते हैं सबसे। पहले इसको टेस्ट करते हैं कि कैसा है, उसके बाद में आपको मैं फीडबैक देता हूँ 10 से कितना आता है। इट्स रियली ऑसम। मैं बोलता हूँ ना कि रमजान सेफ के हाथ में जादू है, रियली जादू ही है। yes. मैंने कभी अपने लाइफ में ऐसा आइसक्रीम नहीं खाया जो यहाँ पे मिलानो में आके खा रहा हूँ। आप कभी भी बैंगलोर विजिट करो तो प्लीज़ मिलानो आइसक्रीम इसका नाम है, और बैंगलोर में बहुत सारा आउटलेट है। कभी भी आओ तो इसको ज़रूर ट्राई करना आप, कोई भी आइसक्रीम है। तो ये देखो इसका आइसक्रीम का मिलानो का कलर देखो। ये आइसक्रीम सॉर्बे है, और इसका लेमन का टेस्ट इतना आता है, सिक्स ही लेमन ग्रास मैंने पहली बार ट्राई किया। क्योंकि आपको लेमन ग्रास और ज़्यादा भी कहीं आपको मिलेगा नहीं ऐसा आइसक्रीम। तो प्लीज़ आप इसको आना तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना। बस आज का वीडियो यहाँ तक, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। बाय।